कितने आइडेंटिकल यूनिट थे इसमें? आठ, आठ बना लेते हैं हम भी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छः थे? नहीं, आइडेंटिकल यूनिट थे कितने? सिक्स थे। चलो अभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोला होगा कर लेंगे फटाफट। कहते हैं थ्री ब्रदर ए बी सी, यानी एक ए है, एक बी है और एक सी है, आर को ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट, एक घर है, एक हाउस प्रॉपर्टी है ये। अब इसमें कहता है कंसिस्ट सिक्स आइडेंटिकल यूनिट, तो सिक्स यूनिट कर देते हैं, दो यूनिट, चार यूनिट, छः। और कंस्ट्रक्शन 1995 में हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना है नहीं वैसे। ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई वन यूनिट हिज रेजिडेंस, मान लेते हैं एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो छह यूनिट है, तो यूनिट U1, U2 और U3 इसको नाम दे देते हैं, U1, U2 और U3। इनको क्या मान लेते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड, S लगा रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, एंड अदर थ्री यूनिट लेट आउट ₹7,000 पर मंथ, और बाकी के तीनों यूनिट U4, U5, U6, U4, U5, U6 इसको क्या मान लेते हैं? लेट आउट, जिसका किराया है 7,000 पर मंथ। द म्युनिसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी ₹4,00,000। कहता है म्युनिसिपल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यानी पूरे घर का 4,00,000 है। तो अगर मैं यहां पे एमवी लूं तो एमवी क्या आएगा? 4,00,000 पूरे घर का है, तो उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, 4,00,000 डिवाइडेड बाय 6, यानी 666 करके आ रहा है। हालांकि इसको दो पार्ट में भी कर सकते थे आप, लेकिन मैंने छह पार्ट में कर दिया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। एंड म्युनिसिपल टैक्स 40% ऑफ सच म्युनिसिपल वैल्यू विच वॉर पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो 40% म्युनिसिपल टैक्स है जो कि हमें ड्यूरिंग द ईयर पेड किया है। द अदर एक्सपेंस, रिपेयर का कोई लेना देना नहीं, कलेक्शन चार्ज का कोई लेना देना नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कोई लेना देना नहीं, पेबल ऑन लोन, पेबल ऑन लोन टेकन, कहता है पेबल ऑन लोन टेकन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 242। कहता है कि क्या पेबल है यहां पे बताया नहीं इसने। अगर ये इंटरेस्ट है तो डिडक्शन मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? 24। किसमें मिलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन? 24B में। अगर ये लोन का रीपेमेंट कर रहा है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, आगे देख लेंगे। वन ऑफ यूनिट लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 3 मंथ, एक यूनिट जो था लेट आउट यूनिट जो था वो 3 महीने के लिए खाली रहा ड्यूरिंग द ईयर। अब ये नहीं बताया ए भाई का, बी भाई का या सी भाई का, ये नहीं बताया, तो मैं मान लेता हूं ये वाला वेकेंट का केस इसमें ले लेंगे। ठीक है ना, ए कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ और ही ट्रांसफर टू मुंबई, और जो एक यूनिट था ना ये वाला यूनिट मान लेते हैं, बोलता है 6 महीने खुद तो रहता है लेकिन 6 महीने खुद रहता ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? वैकेंसी तो आ गया लेकिन जब खुद रह रहा है तो जीरो ही होना है वो सारा। ही डज नॉट एनी अदर हाउस, कोई इनकम नहीं है। ए एंड बी सी
कहता है कि ही डज नॉट ऑन एनी अदर हाउस एंड अदर इनकम, एक ही अपनी एक अलग से भी इनकम चल रही है, इसकी इनकम 180 है, इसकी इनकम 190 है और इसकी इनकम 210 है रिस्पेक्टिवली. कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम थ्री ब्रदर्स 2024-25 के लिए. तो म्युनिसिपल वैल्यू था, हम क्या ले लेते हैं अब सीधा सीधा हम ले लेते हैं, यही क्या बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि किसी से कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, फेयर रेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट ले लेते हैं. और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पे हम 0000 ले लें और यहां पे आ गया ये. अब यहां ले लेते हैं एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट यहां पे तो कुछ होगा नहीं, 7000 महीने के हिसाब से 7000 इंटू में 12 तो कितने होते हैं 84,000. तो गवर्नमेंट के रूल से तो हमारा बेहतर ही चल रहा है. तो मैंने क्या बताया था, जब हमारा रूल बेहतर हो तो वैकेंसी माइनस करके लेंगे. तो अब यहां पे 7000 इंटू में 12 नहीं लेंगे हम, 7000 इंटू में कितने महीने की वैकेंसी रह गई थी यहां पे, लेट आउट यूनिट वेकेंट कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए. तो अब हमें 9 लेना होगा, तो 7000 इंटू 9, समझे. अब यहां पे एक मैंने लाइन डाल दिया है, सीधा जीएबी निकाल लेते हैं, 84 84, और यहां पे जीएबी पता है क्या आएगा, 63. मैंने बताया था अगर मान लो अगर ये आ रहा होता ना पूरे 12 महीने का, मान लो आ रहा होता 65,000, तो फिर हायर ही जाता, 65,000 ही जाता जो हमने देखा था. माइनस एमटी कर दो, एमटी कहता है म्युनिसिपल वैल्यू का कितने परसेंट पेड किया इसने, 40% म्युनिसिपल, तो 4,00,000 का 40% इंटू 40% 116, इसको 6 यूनिट में मार देते हैं, तो ये 26 26 आएगा. तो यहां तो अलाउड ही नहीं है, यहां अलाउड हो जाएगा. ये हो गया, ये क्या बन गया हमारा n, 0 0 0 माइनस कर दें अगर हम, अरे फाइव सेवन थ्री थ्री फोर फाइव सेवन थ्री थ्री फोर 36 334. अब इसमें से क्या माइनस करोगे, 24 a. अब 24 a इस पे तो लगना नहीं है, इस पे लग जाएगा, तो इसका तो 30% इधर ले लेता हूं मैं, और 57334 का 30% 17,200, और ये भी 17,200. अब एक बार देख लेते हैं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, पेबल ऑन लोन इंटरेस्ट पेबल है क्या है, एक बार देखिए आप भी बुक में चेक करिए, इंटरेस्ट पेबल है ये क्या है, आपके बुक में क्वेश्चन था ना ये. क्या है, चेक करिए बुक में क्या कह रहा है ये, 152 पे तो है ही नहीं है क्वेश्चन. क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा हाँ, पेबल ऑन लोन टेकन, बस लोन टेकन कह दिया इसने, तो वो इंटरेस्ट ही है, वो एग्जामिनर की गलती है, जिस हिसाब से करा है वो इंटरेस्ट ही है, तो इसके आगे ना आप भी इंटरेस्ट कर लीजिए करेक्ट, बाकी एग्जाम में ऐसी गलती होती नहीं है. इंटरेस्ट कितना है, 242 के हिसाब से देखा जाए
हर किसी का आ जाएगा। अब हम ओल्ड रिज्यूम फॉलो कर रहे हैं न्यू रिज्यूम, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। अब जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा न्यू रिज्यूम मानना है आपको। क्या मानना है आपको? क्योंकि डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या है? न्यू रिज्यूम। और नोट दे देना कि डिफॉल्ट टेक्स्ट माना है न्यू रिज्यूम। तो न्यू रिज्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 24B जो है यहां पे तो मिलना नहीं है, क्योंकि न्यू रिज्यूम में इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता। लेट आउट पे दे देते हैं। अभी आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IHP, ये तो जीरो। अगर यही होता ओल्ड रिज्यूम मतलब पुराना, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता और ये किस में पहुंच जाता हमारा? नेगेटिव में। समझे? 57,334 माइनस 17,200 माइनस 40,333 माइनस आ गया 199 रुपए। आप भी चेक कर लेना एक बार। ये भी आ गया 199। ये तो आ गया 14,899, 14,900 नेगेटिव में। और ये जो 199 है ना, मैं इसको राउंड फिगर ही ले लेता हूं, ये 200, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारा? लॉस। अब ये लॉस जो है वो किसका होगा? तीनों भाइयों में बटेगा ये लॉस। अब यहां पे कहीं भी नहीं बोला कि, मैंने तो कर दिया है इससे समझाने के लिए, कहीं नहीं बोला कि यूनिट 1 ए भाई का है, यूनिट 2 बी भाई का है, यूनिट 3 सी भाई का, कहीं नहीं बोला। तो हमारा टोटल देखा जाए, टोटल इनकम कितना हुआ टोटल IHP से, तो देखा जाए तो लॉस होगा 200 प्लस 200 प्लस 14,900, ये नेगेटिव है 415,300, ठीक है। कितने हो गए? अब ये 15,300 ईच ब्रदर का कितना होगा? 15,300 डिवाइडेड बाय 2, 3 5,100, यानी हर एक भाई का लॉस जाएगा 5,100। और इसने पूछा हर भाई का इनकम बताओ, तो हर भाई का इनकम बताएंगे तो हम निकालते हैं अब इनकम, टोटल इनकम जो भी बनता है। देखो कई बार ना बच्चे बुक के आंसर को बिल्कुल एग्जैक्ट टैली करते हैं, तो मैं बीच में बोलता भी रहता हूं, क्या पता बुक वालों ने ओल्ड रिज्यूम से कर दिया हो। मैंने न्यू रिज्यूम किया है तो मेरे आंसर में, बुक के आंसर में अगर ओल्ड न्यू का फर्क आएगा तो आएगा, लेकिन गलत किसी का नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलता भी जा रहा हूं कि मैं क्या मान रहा हूं। यहां ए भाई का, बी भाई का और सी भाई का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 5,100, 5,100 और 5,100, ये ब्रैकेट में डाल दिया तो क्या हो गया? ये लॉस। और इनके अपने अलग अलग इनकम भी थे, 1,80, 1,90, 2,10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 180, 190 एंड 210, और ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर ए बी एंड सी फॉर असेसमेंट ईयर 2024 और 2025। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5,100 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे?
174,900, इसमें से माइन करोगे तो 184,900, इसमें से माइनस करोगे तो 124,900, यही बचेगा ना। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो देखो मैंने पिछले क्लास में समझाया था, काफी बच्चों को मे भी ये टफ लगा हो, लेकिन इसमें था नहीं कुछ टफ, बस जस्ट एक समझना था, तो उसके हिसाब से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बुक के अंदर टोटल इनकम देखेंगे तो एक आ रहा है 160, एक आ रहा है 170 और एक 90, 300। रीजन बींग क्यों सर, ऐसा क्यों? रीजन यहां पे, एक मिनट, इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन कब घर बनाया था इसने? 1999 से पहले का लोन भी 1999 से कब का होगा? ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो 1999 से पहले मैंने बताया था मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है, 2 लाख। किसके लिए? सेल्फ नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन होता है हमारा 30,000। तो वैसे भी हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि अगर हम ओल्ड रिजिम फॉलो करते तब तो सेल्फ ओक्यूपाइड वाले पे हम देते, लेकिन 1999 से पहले हमारा 30,000 ही था मैक्सिमम, मैक्सिमम ही 30,000 था। याद आया? किस पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। और लेट आउट पे कितना था? नो लिमिट। तो लेट आउट वाले पे हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, यानी हमारे आंसर में कोई कमी नहीं है। हमने किससे कराया? न्यू से। और बुक वालों ने किससे कर रखा है सर? ओल्ड से करा हुआ है इसने, इसलिए इंटरेस्ट का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में क्या कर रखा है? दे रखा है। और नीचे इसने नोट डाल दिया कि इफ इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन डिफॉल्ट ही विल बी न्यू रिज्यूम में, तो 30,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कटपिट हो जाएगा उसके हिसाब से। आप तो सिर्फ लेट आउट वाले पोर्शन का देख लीजिए, तीनों घर का सेम आना चाहिए। तो तीनों घर का यहाँ पे देखा जाए तो 10,300 है और 50% ऑफ 160, 80, ठीक है। 297 माइनस 27,000 सर, ₹9,000 रुपये किराया था क्या? 7,000 था, थोड़ा सा इसमें एरर करा हुआ है, बुक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ है? हो जाता है मिसप्रिंट वहां पे किराया, या क्वेश्चन में शायद चेंज हो, बुक वगैरह कई बार चेंज भी कर देते हैं। गड़बड़ ये है, यहाँ पे किराया पर मंथ कितना है हमारा, लेकिन बुक वालों ने ना उसको 9,000 से कैलकुलेशन करके देखा है। आप चेक करोगे, सभी बच्चों ने बुक लिया तो मैं बुक के साथ टैली करके भी बता देता हूं ताकि आपको एरर पता चल जाए, उसको ठीक कर लेना। देखिए बुक में किससे कर रखा है आपका? 9,000 से कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे और बुक के आंसर में डिफरेंस आएगा। आपके बुक में क्या कर रखा है देखो? हाँ जी, चेक कर लिया बुक में किस हिसाब से रेंट को कर रखा है? नए बुक में 153 पेज नंबर पे क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन 17 यहां दिख रहा है, ये क्वेश्चन 15 है, इलस्ट्रेशन 15। ठीक है, तो हमने जो आंसर किया है बिल्कुल 100% ठीक है, बुक के अंदर थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया। तो चलिए, किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें बताइए, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18, ये ट्राई किया आपने? छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। अब मुझे भी लगता है पेपर में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, सेम इसी टाइप के बन जाएंगे। ऑप्ट आउट में भी बताइए, नॉट ऑप्ट आउट में भी बताइए। तो मैं यहां पे न्यू लिखूंगा ना तो समझो ये न्यू रिजिम है, और ओल्ड लिखूंगा तो समझो ये कौन सा है, पुराने वाला। क्वेश्चन कहता है एक्स अ हाउस टू आइडेंटिकल यूनिट, वन यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट, अदर यूनिट क्या हो गया? लेट आउट। तो इसके पास दो घर हैं सर, दो घर कौन से हैं? एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक क्या है इसके पास? लेट आउट। एक है लेट आउट, तो मैं इधर कर लूंगा
सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और इधर कर लूंगा मैं लेट आउट ओल्ड के हिसाब से भी और न्यू के हिसाब से लिए, चार कॉलम बना दिए मैंने, ठीक है, दोनों से बराबर हो जाएगा। कहता है कि आगे क्या कहता है, प्रीवियस ईयर रेंट कितना था 50,000 महीने का, म्युनिसिपल टैक्स कंप्लीट हाउस, पूरे हाउस का, दोनों घर का, मतलब कितने, एक घर है, हैज अ हाउस विच टू आइडेंटिकल यूनिट, यानी फिर एक घर है और एक घर के दो हिस्से हो गए, एक घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और एक घर में लेट आउट हो गया। और क्या कहता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड कंप्लीट हाउस, कंप्लीट मतलब इन दोनों का कितना है हमारा 60,000, तो 30,000 ऊपर वाले का और 30,000 नीचे वाले का, हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द कंस्ट्रक्शन, प्रीवियस ईयर का ये मत समझना पिछला साल की बात कर रहा है, जिस साल का टैक्स निकालना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्लीटेड 1/95, तो ये भी ध्यान रखना 95 यानी 99 से पहले है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 होगा, और लेट आउट के केस में तो लिमिट है ही नहीं शुरू से कभी भी। डिटरमाइन द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ डज नॉट ऑप्ट, के मतलब मैं ऑप्ट नहीं करना चाहता, और ऑप्ट यानी न्यू के हिसाब से भी बताइए, ओल्ड के हिसाब से बताइए। तो यहां पे देखा जाए तो अगर मैं सीधा एनएवी से स्टार्ट करूं तो क्या होगा, जीएवी से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेट आउट वाले केस के अंदर रेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50,000 महीने के हिसाब से देखा जाए तो, है कि नहीं, माइनस क्या कर दोगे आप, एमटी, एमटी इसने बोला भैया 60,000, तो 30,000 इसके लिए है, तो इसमें तो माइनस कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ 30,000 इसके लिए, अगर ओल्ड में होगा तब भी 30 माइनस होगा और न्यू में होगा तो भी 30 माइनस होगा। जैसे ही हम ये माइनस कर देंगे हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, एनएवी 570,000, 570,000 इसके बाद 24A, कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो सिंपल 24A, यहां तो कुछ नहीं है, यहां पे मिल जाएगा 24A कितने, 570 का 30%, 1/71 और 570 का वही होगा, इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, ये लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 0,0399। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, क्लियर, एक में किससे से, ये आप ऐसा मत समझना दो घर है, एक ही घर है ये, मैंने एक ओल्ड रिज्यूम से किया एक न्यू रिज्यूम को, उसी घर को, कहीं बच्चा ये ना समझ ले कि चार पार्ट में बांट दिया घर, दो ही पार्ट में घर है ये, ए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो म्युनिसिपल टैक्स यहां से माइनस होगा नहीं, ये लेट आउट है तो लेट आउट माइनस होगा, तो आधा लेट आउट आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, हाँ दो पार्ट हो गए, तो 60,000 है तो इसके 30,000 होंगे और इसके, तो लेट आउट वाले को मैंने 30 माइनस कर दिए और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को मैंने माइनस नहीं किया। किसी स्टूडेंट को डाउट है बताइए इसमें, क्लियर है, चलो ये आपकी किताब में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैं नंबर भी लिखता रहूंगा क्योंकि थोड़े बहुत ना मेरे पास पुराने अलग अलग किताबें होती है तो उसके हिसाब से फिर आगे पीछे हो जाता है। ये जो हमने अभी किया है ये 16 है, ये 18 है ना, मैं दो इलस्ट्रेशन आगे चल रहा हूं शायद, चलो ये 19 की जगह पे कौन सा होगा, ये 17, यहां कहता है इलस्ट्रेशन पिछला ही मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वॉज लेट आउट फॉर 3 मंथ, ये इंपॉर्टेंट हो गया, बोलता जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, जो था ना मकान मालिक, जो मकान का मालिक था वो थोड़ा चालाकी कर गया, बोला यार 3 महीने कहीं घूम के आते इतने किराए पे चढ़ा दो, कौन से वाले यूनिट को, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले यूनिट को। तो अब देखो चार कॉलम फिर से बना लेते हैं, एक तो लेट आउट वाला तो जो कर रहे थे वो करेंगे ही करेंगे, और एक क्या हो जाएगा हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड, चलो ये आ गया हमारा ओल्ड
पहले न्यू लेंगे ना, डिफॉल्ट तो न्यू है क्योंकि दोनों से डज नॉट ऑप, मैं न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड, ये एसओ ले लेते हैं, ये एलओ ले लेते हैं, ठीक है। सीधा मैं निकालता हूं यहां पे क्या, जीएवी। क्वेश्चन में आगे कहता है एक्स हैज अ हाउस टू आइडेंटिकल यूनिट, वन ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर ऑफ द विच 50,000 किराया है और ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली सेम पिछले वाला क्वेश्चन इसने लिख दिया और बोला कि आप ये मान लो कि जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है ना, इसको आपने 3 महीने के लिए किराए पे दे रखा था और बाकी महीने क्या रह रहे थे। तो आपको याद है एक केस था पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उस केस में हम पूरे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे जो जीएवी आएगा ना, कितना है 50,000 है ना, तो यहां पे जो जीएवी आएगा इसके अंदर भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड था लेकिन तुमने 3 महीने के लिए लेट आउट कर दिया, तो हम 1.5 लाख नहीं लेंगे जीएवी, हम 12 से मल्टीप्लाई करके 6 लाख ही लेंगे, बात खत्म। तुमने 3 महीने के लिए दिया चाहे क्या दिया उससे मतलब नहीं है। तो जब कभी भी कोई घर अगर ये खाली रहता और 3 महीने के लिए सिर्फ क्या रहता, लेट आउट रहता और पूरे महीने खाली रहता, तो मैं यहां पे 3-3 महीने का लेता क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड कर गया। एक दिन भी आप घर में रह लेते हो तो हम मान लेंगे कि ये पूरा घर पूरे साल किराए पे था और नॉर्मल मैनर से कैलकुलेशन होगा इनकम टैक्स का, ये कहना। तो इसके हिसाब से माइनस क्या कर दें इसमें से, एमटी। तो एमटी क्या होगा, अब तो हो सकता है एमटी माइनस, 60,000 था तो 30,000 और एनएवी क्या आ जाएगा, ओल्ड में ये न्यू में ये, और 24A कितना 171 और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा आईएचपी क्या आ रहा था माइनस करके पीछे वही देख लेते हैं 399। तो इसमें भैया ये पूरी की पूरी इनकम बनेगी आपकी 399। वैसे ये एक ही रिज्यूम से करवा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर को जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट वाला पॉइंट वहां पे बोलेंगे दोनों से करके कंपेयर दिखाऊं, बाकी जहां पे इंटरेस्ट है ही नहीं तो ओल्ड से कर लो नए से कर लो फर्क ही क्या पड़ना, क्योंकि बस इंटरेस्ट का ही तो पंगा है न्यू और ओल्ड में और किसी चीज का तो है ही नहीं, और वो भी इंटरेस्ट कौन से वाले, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, लेट आउट वाला, तो दोनों में ही माइनस कर रहे हैं भाई। बताइए